जयपुर के मेरे किसान भाइयों, माता और बहनों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और इस स्कूल के प्रधानाचार्य अध्यापकगण, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके विद्यालय में अतिरिक्त विज्ञान कक्ष के भवन का लोकार्पण हुआ। 70 लाख की लागत से ये भवन बना और यहां पर बड़ी संख्या के अंदर, मुझे प्राचार्य महोदय ने बताया कि 600 से ज्यादा विद्यार्थी यहां पर पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों के सपने, इनका आत्मविश्वास, इनकी लगन, इनकी कड़ी मेहनत इनकी आंखों में मैं देख रहा हूं और ये विद्यार्थियों का मन है कि इस गांव में पढ़कर भी हम देश का नेतृत्व करें। देश और दुनिया की पढ़ाई जयपुर में इस विद्यालय में पढ़े, इसलिए प्रधानाचार्य ने कहा कि एक स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए। मैं यहां पर स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे जिसमें कोटा से, अन्य जगह से जुड़कर विद्यार्थी विद्यालय के बाद भी कुछ अध्ययन अध्यापन कर पाएंगे। अच्छा होगा कि यहां का मैनेजमेंट, यहां का स्टाफ इस बात की कल्पना करेगा कि स्मार्ट क्लास का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो ताकि हम हमारे नौजवान विद्यार्थियों की विलक्षण क्षमता को और अद्भुत कर सके। जयपुर गांव पूरा जंगल की घाटियों के बीच बसा हुआ है। शोकरण जी मुझे हमेशा बताते रहते थे कि जंगल में बसा गांव हमारी कई सारी परेशानियां हैं। अब मैंने परेशानियां गांव में आकर देखी है। मैंने सरपंच साहब से भी कहा कि आप कुछ पट्टा अट्टा दे दो तो सामुदायिक भवन बना दे, यहां के लोगों की मांग है। जिस दिन पट्टा लेकर आ जाएंगे उस दिन सामुदायिक भवन के पैसे इनको दे दिए जाएंगे, सीएसआर से दे देंगे, कहीं से दे देंगे, और 2-5 लाख भी देंगे 20 लाख का सामुदायिक भवन बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, स्मार्ट क्लास के लिए भी बनाएंगे। विधायक महोदय भी यहां पर बहुत, 5 लाख रुपए उन्होंने बाउंड्री वॉल के लिए दिए, और भी पैसा देना चाहती है। हमारी कोशिश रहती है कि गांव का जो अभाव है उन अभावों को कैसे दूर करें। अब जंगल अभयारण्य को तो दूर कर नहीं सकते, लेकिन अभयारण्य में के बाद भी सारी सुविधाएं मिले इसके लिए यहां के प्रतिनिधि मुझे आकर मिलेंगे। मैं सारे अधिकारियों को बुलाकर बात करूंगा, जो जो समस्या है उसका क्या समाधान हो सकता है। अगर समाधान होने लायक होगा तो आप मानते हो ही जाएगा, रुकने वाला ही नहीं, और नहीं समाधान होने वाला वही समाधान नहीं होगा। मान लें जो समाधान होने वाला होगा कोई भी कानून की परिधि में आता होगा वह काम तो कोई रुकेगा नहीं, और कोई समाधान ही संभव नहीं है उसके लिए नया रास्ता निकालेंगे। साल भर इंतजार करो, उसके लिए भी कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढेंगे। लेकिन आप निश्चित मानो हम आपके गांव में आते हैं
आपकी बातों को सुनना, आपसे चर्चा करना, संवाद करना और किस तरीके से समस्या समाधान करना। चर्चा संवाद करके हम विधानसभा लोकसभा तो नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं सुनता हूं वहां पर लोगों की बात, लेकिन लोगों की बात में फील्ड में जाकर जरूर सुनता हूं और उसकी समाधान करने का रास्ता भी निकालता हूं। आप निश्चित मानिए हम आपके साथ हैं, इतना विश्वास भरोसा है। आपके भरोसे और विश्वास को कभी कम नहीं होने देंगे। काम आज नहीं होगा, कल होगा, होगा, लेकिन अगर कुछ परिधि में आ गया तो होगा। समय कुछ चीजों में लग जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट की ऐसी चीज है जिसमें बहुत समय लग जाता है कि जैतपुर खटखट सड़क के अंदर मुझे कम से कम 6 महीने लगे क्लियर करने में। ऐसे बहुत सारी समस्याएं रहती है, इनमें समय लग जाता है, लेकिन आप संपर्क में रहे, मेरी कोशिश होगी कि जो समस्या आपने बताई है उसका समाधान कर सकूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।